अस्सलामु अलैकुम। आज का दर्स सूरह वाकया से शुरू है। इस वक्त मेरे पास हाफिज़ नज़र अहमद वाला तर्जुमा है। पहले इनका तर्जुमा बयान करता हूँ, फिर अपनी फहम। गुजारिश है कि दर्स को मुकम्मल सुने और फिर सवालात उस हिसाब से ही करें, रवायती तर्जुमे से नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला मेहरबान है। तो ये मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि बिस्म जो है ये ख़ुद एक सैरफी मादे वाला लफ्ज़ है, इसमें इस्म नहीं है। नहीं, इंतहाई मेहरबान रहम करने वाले अल्लाह की तमानियत है। इज़ा वक़ातिल वाक़िया, याद करो जब वाक़े हो जाएगी, वाक़े होने वाली, ब्रैकेट में है फिर क़यामत। इज़ा जब वक़ातिल वाक़िया, वाक़े होगा एक वाक़िया, ने वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। अब ये अलवाक़िया क्या है कि आगे चल के पता लगेगा। फिर लैसा लिवक़्अतिहा काज़िबा, उसकी वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं। लैसा नहीं है, लेवक अतिहा उसके वक्त के लिए, काजिबा कोई झूठ, तो उसके वाक़े होने के लिए कोई झूठ नहीं है। खाफिज़तुर राफिया, पस्त करने वाली और किसी को बुलंद करने वाली। खाफिज़तुन, किसी को कमज़ोर करने वाली, निपस्त करने वाली है। राफियतुन, किसी को रिफत देने वाली, ने बुलंद करने वाली है। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ रज्जा, जब ज़मीन सख्त जलजले से लरजने लगेगी। इज़ा रुज्जति, जब लरस जाए या हिला दिए जाए। अर्ज़ ख़ास पस्त, रज्जन हिलाने की तरह, जब पस्त शिद्दत से हिलाए जाएंगे, एक शिद्दत से हिलाने की तरह। वबुस्सतिल जिबालो बस्सा, और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। वबुस्सत, बसत कहते हैं रेजा रेजा होने को, या फिर आप इसको इस्तेकाम से जो तोड़ दी जाए, कुव्वत इस्तेकाम का टूट जाना, इसको भी कह सकते हैं। अल जिबाल, ख़ास मजबूत जमे हुए। बस्सा यानी फिर वही कुव्वत इस्तेकाम तोड़ कर, और मजबूत जमे हुए की कुव्वत इस्तेकाम तोड़ दी जाएगी, कुव्वत इस्तेकाम तोड़ कर। फकानत हबा मुम्बस्सा, फिर प्रागंदा गुबार हो जाएंगे। फकानत, बस हो जाएंगे, हबान मुम्बस्सा यानी वो गिर्दो गुबार की तरह फैली हुई, तो बस गिर्दो गुबार की तरह फैली हुई हो जाएगी या प्रागंदा हो जाएगी। वकुन तुम अजवाजन सलासा, और तुम हो जाओगे तीन किस्म। वकुन तुम, और तुम हो जाओगे अजवाजन साथी, सलासा डगमगाते हुए या लड़खड़ाते हुए, तो और तुम लड़खड़ाते हुए साथी हो जाओगे या डगमगाते हुए साथी हो जाओगे। फासहाबुल मैमना मा असहाबुल मैमना, तो दाएं हाथ वाले, सुभान अल्लाह क्या है दाएं हाथ वाले। फासहाबुल मैमना, बस वो साथी जो मान कर सही अमल करें। मैमना जो है इसमें अमन भी है और मानना भी, आमना भी है, नहीं मानना भी है, तो मानकर सही अमल करने। मा असहाबुल मैमना, तो क्या है ये मानकर सही अमल करने वाले साथी, तो बस मानकर सही अमल करने वाले, या इसको आप दाएं हाथ वाले मानकर अमन देने वाले साथी, तो क्या सही अमल करने वाले साथी हैं। वह असहाबुल मशमा मा असहाबुल मशमा, और बाएं हाथ वाले, अफसोस क्या है बाएं हाथ वाले। वह असहाबुल मशमा, और गलत अमल करने वाले साथी। मैमना जब मानकर सही अमल करने वाले, और मशमा जब वो मानकर भी गलत अमल करने वाले, तो गलत अमल करने वाले या बाएं हाथ वाले, बिगाड़ करने वाले साथी। मा असहाबुल मशमा, ने क्या बिगाड़ करने वाले साथी हैं, तो और गलत अमल करने वाले साथी, क्या गलत अमल करने वाले साथी हैं। वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत ले जाने वाले, माशाल्लाह सबकत ले जाने वाले, ये ब्रैकेट में जो है ना, कहीं माशाल्लाह, कहीं सुभान अल्लाह, और कहीं अफसोस, ये अपनी तरफ से लगा हुआ सर। वस्साबिकून, और पहल करने वाले, नहीं सबकत करने वाले, साबिकून जो सबकत करने वाले हैं, तो और सबकत करने वाले, सबकत वाले हैं। उलाइकल मुकर्रबून, यही हैं अल्लाह के मुकर्रब, यही लोग हैं मुकर्रबून, करीब रहने वाले, ख़ास करीबी रहने वाले, तो यही लोग ख़ास मुकर्रब हैं यानी इंतहाई करीबी हैं। फ़ी जन्नत नईम,
नेमतों वाले बागात में, फी जन्नत नईम खास नेमत वाली खुशहाली में, सुल्लतुम मिन अव्वलीन बड़ी जमात पहलों में से है। सुल्लतुम सलत कहा जाता है ढेर को, तो मिन अव्वलीन पहलों में से, नहीं पहले में से ढेर हैं, पहलों में से अक्सरियत हैं, ज़्यादा हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। वह कलील मिन आखरीन, ये सुल्लत के मुकाबले में कलील आया, और थोड़े हैं बाद वालों में, और बाद वालों में बाद वालों से थोड़े हैं। अला सुरूरिन मौजूनतिन, सोने के तारों से बुने हुए तख्तों पर, अला सुरूरिन एक सुरूर पर, सुरूर के उर्दू में कहा जाता है ना जैसे एक किसी का मज़ा लिया जाए अच्छी तरह से, तो लुत्फ सुरूर सरर उसी से है सुरूर। और मौजूनतिन ये है तह दर तह, या आप इसको ये कह सकते हैं कि दर्जा बदर्जा, तो इन्होंने सोने का तार कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं है, तो तह ब तह सुरूर पर, या दर्जा बदर्जा इंतहाई लज्जत पर आप ये भी कह सकते हैं। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, तकिया लगाए हुए उस पर आमने सामने बैठे हुए, मुत्तकीन इन्हें तकिया किए होंगे, सहारा लिए हुए होंगे, ये वो नहीं कि तकिया लगाए हुए होंगे ऐसे ना, इसके ऊपर मैंने तकिया किया तो इसके ऊपर भरोसा किया, एतमाद किया, तो वो भरोसा होगा, मुत्तकीन अलैहा भरोसा होगा इस पर, मुतकाबले और वो बहम सामने होंगे, तो बहम एक दूसरे के सामने या मुकाबल पेश होने, तो उस पर वो तकिया किए होंगे, उस पर सहारा लिए होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, उनके इर्द गिर्द लड़के फिरेंगे हमेशा लड़के ही रहने वाले, यतूफ़ु अलैहिम ये तवाफ़ होगा उन पर, या ये घूमना होगा उन पर, ये चक्कर होगा उन पर, विल्दानुन जो उन्होंने पैदा किया है, ये लड़के की बात नहीं, अपने हमने अपने अमल से जो कुछ आपने पैदा किया है, मुखल्लदून उसमें हमेशा रहेंगे, तो हमेशा रहने वाला उनका अपना पैदा करदा उन पर इर्द गिर्द फिरेगा, जो कुछ अपना अमल किया वही उनके गिर्द हमेशा फिरता रहेगा, वही आता रहेगा, वही उसी के अमल के नतीजे चक्कर लगाते रहेंगे। बेअकवाबियों व अबारीका व कासिम मईन, आबखोरों और आफताबों के साथ, और साफ शराब के प्यालों के साथ। बेअकवाबिन कौब कहते हैं रोशनी को, सितारे को भी ये कवाकिब कहते हैं, अब यहाँ आबखोरा बना दिया, तो उस रोशनी को वह अबारीक और जो बर्क रफ्तार इंतहाई तेज़ रफ्तार, इस बर्क से अबारीक खूब रफ्तार, वकासिम में मईन और कास कहा जाता है भरे हुए प्याले को, तो ऐसा भरा हुआ प्याला जो मईन यानी मुसलसल जारी रहने वाला है, तो खूब रोशनी को यानी खूब बर्क रफ्तारी वाला और रवा रहने से भरा हुआ प्याला। ला युसद्दऊन अनहा वला युनज़िफून, ना इससे उन्हें दर्द सर होगा और ना उनके अक्लों में फतूर आएगा। ला युसद्दऊना, सद्दा कहा जाता है टुकड़े टुकड़े होकर होना, तो नहीं वो टुकड़े टुकड़े होंगे अनहा इसके बारे में, तो टुकड़े होकर फंसना इसको कह सकते हैं या ज़बरदस्ती रुकावट कह सकते हैं। वला युनज़फून, और ना वो उसमें ख़त्म होंगे या मुनक़ता होंगे, जिसको कह देते काट कर अलग कर देना, तो ये अक़ल के फतूर की बात नहीं हो रही बल्कि ख़त्म हो जाना या मुनक़ता हो जाना, तो वो उसके बारे में टुकड़े टुकड़े होकर नहीं फटेंगे या नहीं रुकावट बनेंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। वफ़ाकियत मिम्मा यतखय्यरून, इस किस्म के मेवे जो वो पसंद करेंगे, वफ़ाकियत और वो खुश होंगे, मिम्मा उससे जो यतखय्यरून जो तुमने भलाइयाँ की रखी हैं, खैर मैं इन्होंने भलाई को पसंद करना कर लिया, तो वो उससे खुश होंगे जो वो भलाइयाँ करेंगे। वलहमे तैरी मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त जो वो चाहेंगे। वलहमे तैरिन, और उड़ने वाली पेवस्तगी, लहम कहते हैं पेवस्तगी को और तैर उड़ने, तो उड़ने वाली पेवस्तगी मिम्मा उससे जो यश्तहून वो चाहेंगे, और इससे जो वो चाहेंगे उड़ने वाली पेवस्तगी होगी। वहूरून ईन, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हुरें, ये फ़ौरन हुर ले आए, अब देखिए वहूरून और बामकसद गुफ्तगू है, ऐन उन देखने वाली है, यानी बामकसद गुफ्तगू है, देखना है। कामसाल लोलोल मकनून, जैसे मोती के दाने सीपी में छुपे हुए, कामसाल यानी उस मिसाल की तरह
लोलू जो चमकदार है, मोती को भी इसलिए लोलू कहा जाता है, वो भी चमकती है, तो चमक दमक के मिसाल। और मकनून जो छुपा, इन ख़ास छुपा हुआ, चाहे गलास से छुपा हो या कोई ऊपर, या जैसे आप प्याज के ऊपर छिलका होता ना, अंदर सारे परत उसके छुपे हुए होते हैं, तो इसको कहा जाता है। तो छुपे हुए चमक दमक के मिसाल की तरह, या इसको जैसे चमकते हुए मोती भी कह सकते हैं। जज़ाम बिमा कानू या अमलूम, उसकी जजा जो वो करते थे, जज़ाम नतीजा, बिमा उसका जो कानू या अमलून वो अमल करते हैं, तो उसका नतीजा जो वो अमल किया करते थे। ला यस्मऊना फ़ीहा लगवा वला तासीमा, वो इसमें ना बेहुदा बात सुनेंगे और ना गुनाह की बात। ला यस्मऊना फ़ीहा, नहीं वो सुनेंगे इसमें लगवन लगवियात, वला तासीमा, और ना तुम्हें नुकसान देने वाला। तो वो इसमें लगवियात यानी बेहूदगी नहीं सुनेंगे और तुम्हें कुछ नुकसान नहीं देंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, मगर वहाँ कलाम सलाम सलाम होगा। इल्ला क़ीलन, सिर्फ कहा जाएगा सलामन सलामन, सलामती सलामती, तो सिर्फ सलामती सलामती कहा जाएगा। निज़ाम की बात है और ये आखिरी नतीजा भी है, ये वाक़या जो है जो क़यामत है उसी का नतीजा है, सारा कुछ वही चल रहा है। वह असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले, सुभान अल्लाह, क्या दाएं हाथ वाले हैं, फिर ब्रैकेट में सुभान अल्लाह लगा दिए। ये भी बात है, वह असहाबुल यमीन और सही अमल करने वाले साथी, तो क्या सही अमल करने वाले साथी हैं। फ़ी सिदरिन मखज़ूद, बेरियों में बेखार वाली। सिद्र कहा जाता है इस्तराब हैरत, हैरत ऐसी है कि उसमें एक इस्तराबी कैफियत, बगैर हैरत के इस्तराबी कैफियत है। और मखज़ूद जो खजस से, जिसका मतलब फरावानी है, तो इस्तराब फरावानी के बगैर हैरत में। वह तलहिन मंजूद, और इनके लिए होंगे तय दर तय केले, तलहिन का तर्जमा उन्होंने केले किया है। वह तलहिन, जबकि तला कहा जाता है कमज़ोर लागर को, और मंजूद नज़्म व तरतीब, तय दर तय दर्जा ब दर्जा, तो इसको ये कहा, और नज़्म व तरतीब से मिले हुए कमज़ोर लागर। वज़ल ममदूद, और दराज साया, और वज़ल जलल तो कही जाता है साये को, और ममदूद मदद से निकला, तो और मदद किए हुए साये। वमाइन मस्कूब, और गिरता हुआ पानी। वमाइन मस्कूब, मस्कूब जो सकब से निकला है, सकब कहते हैं ऊपर से गिरने वाले को, जो ऊपर से गिरे। और माइन जो है इन्होंने, तो क्योंकि पानी किया हुआ हर जगह, जबकि माइन अल्लाह अपनी किताब को ही कहता है, तो ये ऊपर से गिरती हुई किताब, यानी ऊपर से गिरता हुआ पानी, ये किताब का पानी है जो, यानी इससे सैराब होना। वफाकियातिन कसीरा, और कसीर मेवे, जबकि फाकिया यानी फिका जो है वो मेवे को नहीं कहा जाता, बल्कि खुशियों को कहा जाता है, और कसीर तो वही कसरत से ही है, तो और कसीर यानी बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी। ला मक्तुवतिन वला ममनुआ, ना वो ख़त्म होंगे और ना उन्हें कोई रोक टोक होगी। ला मक्तुवतिन यानी नहीं क़ता किया हुआ होगा, नहीं उसे काटा गया होगा या अलग किया गया होगा। वला ममनुआ, और ना मना किया हुआ है, तो और क़ता किया हुआ नहीं होगा, यानी काटा हुआ नहीं होगा, अलग किया हुआ नहीं होगा, और मना किया हुआ नहीं होगा। व फरोशिन मरफूआ, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में। वह फरोशिन, फर्श कहा जाता है बिछे हुए को, क्योंकि फर्श नीचे, सबसे नीचे बिछा हुआ होता है, इसलिए इसको भी फर्श कहा जाता है। तो और बिछना मरफूआ, रिफत देने वाली ने बुलंदी वाली, तो और बिछना इंतहाई रिफत होगी, इंतहाई बुलंद होना होगा। इन्ना अनशा ना हन्ना इनशा अन, बेशक हमने उन्हें खूब उठान दी। इन्ना बेशक हम, अनशा ना हन्ना, हमने उन्हें परवान चढ़ाया, इंशान परवान चढ़ाने जैसा, तो बेशक हमने उन्हें परवान चढ़ाया या नशोनुमा दिया, नशोनुमा देने जैसा या परवान चढ़ाने जैसा। फजअलना हुन्ना अबकार, बस हमने उन्हें कुंवारी, अबकारा तो ये कुंवारे में ही इन्होंने कर दिया, बस हमने उन्हें कुंवारी बना दिया, जैसे इन्होंने ये कर दिया। फजअलना हुन्ना, बस हमने उन्हें बना दिया अबकारा, जिसकी कोई मिसाल नहीं। बकर कहा जाता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, या बेनज़ीर आप इसको कह लें। कंवारी के लिए भी इसीलिए कहा जाता है, बकारत उसी को है कि उसकी मिसाल नहीं, वह भी हुआ नहीं है।
इन मानों में कहा जाता है। हाँ, तो बस हमने उन्हें बेनजीर बना दिया, यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिला। उरुबन अतराबा, महबूब हम उमर। उरुबन अरब से है फसाहत और बलागत, अतराबन हमसरी, तुराब इसी से निकला है, तो हमसरी को कहा जाता है। तो हमसरी फसाहत और बलागत वाली, ले असहाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों के लिए, यानी मान कर सही अमल करने वाले साथियों के लिए। बस आज का दर्स यहीं तक रखते हैं, अब जो सवाल करना उसको कीजिए। सलामुन अलैकुम।